नमस्कार, मैं हूँ शिखा श्रा। जैसा आप देख सकते हैं कि मैं बंधु तिर्की के आवास के बाहर हूँ, और जब से बंधु तिर्की जो कि पूर्व मंत्री थे और पूर्व विधायक जब से बने, जब से उनके नाम से विधायक के आगे पूर्व लगा है, तब से हमेशा मांडर पे सबकी नज़र रहती थी कि मांडर का ताज जो है वो किसके सर होगा। फाइनली मांडर का जो ताज है वो शिल्पी तिर्की के सर पर सहरा जो है जीत का बन चुका है। शिल्पी तिर्की जो कि अब विधायक बन चुकी है मांडर की, और पूर्व मंत्री बंधु तिर्की की बेटी भी है और महागठबंधन से प्रत्याशी भी थी। उन्होंने गंगोत्री खजूर को लगभग 23,000 के बड़े मार्जिन वोट से हराया है। तो जान आपको भी इतनी कम उम्र में जो उन्होंने विधायक का जो ताज अपने सर पर पहना है, तो आपके अंदर भी कहीं ना कहीं थोड़ी क्यूरियोसिटी होगी जानने के बारे में क्या आखिर शिल्पी तिर्की कौन है, उनके एजुकेशन क्वालिफिकेशन कौन है। तो उन्हीं के बारे में आज हमको थोड़ी सी डिटेल बताएंगे कि कौन है शिल्पी तिर्की। आपको बताते हैं, शिल्पी तिर्की जो है वो रांची के ही सेक्रेड हार्ट स्कूल से उन्होंने पढ़ाई की है, और उसके बाद रांची, इसके बाद वो बैंगलोर गई, बैंगलोर से उन्होंने BBA किया है, और इसके बाद वो PG उन्होंने मुंबई के सेंट जेवियर कॉलेज से किया है। आपको बताते हैं, उनके हस्बैंड है जो मर्चेंट नेवी है और जो सनटेक कंपनी में काम करते हैं, जो कि फिलहाल मुंबई में कार्यरत है। और साथ ही शिल्पी तिर्की जो है स्वभाव से तो बेहद सादगी भरा अंदाज है उनका, बिल्कुल अपने पिताजी की तरह। ये देखना आने वाले समय में दिलचस्प होगा कि मांडर की जनता का जो उन्होंने प्यार मिला है उनको वो कैसे साबित करती है। लेकिन उनके बारे में कुछ और दिलचस्प बातें हैं कि उन्हें शतरंज खेलना बहुत बहुत पसंद है, और उसके साथ ही अपने पिताजी यानी बंधु तिर्की के साथ बैठकर बातचीत करना, और साथ ही सबसे इंपॉर्टेंट बात जो सामाजिक व्यवस्था है, सामाजिक की कुप्रथाएं हैं और समाज में कैसे बदलाव लाना चाहिए, इस पर वो कहती कि हमेशा बैठ के बातचीत करती थी और समाज के लिए हमेशा से कुछ करने का मन था। जैसे अपॉर्चुनिटी मिला मैं उतरी, और मेरी जीत का श्रेय सिर्फ मुझे ही नहीं बल्कि पूरे टीम को जाता है। ये पूरा का पूरा एक टीम वर्क है, क्योंकि जब तक एक टीम मेहनत नहीं करेगी तब तक जीत पाना असंभव है। प्रत्याशी तो भले मैदान में एक उतरता है, लेकिन इसके पीछे मेहनत जो है वो पूरी टीम की होती है। इसके साथ ही आपको बताते चले कि इनके खिलाफ इनके पति और ये बिल्कुल तरीके से पूरी तरीके से बेदाग है, कोई कार्रवाई नहीं है, कोई थाना में पुलिस कंप्लेन नहीं है, बिल्कुल साफ सुथरा छवि रखती है शिल्पी तिर्की। खेल भी बहुत पसंद है, स्पोर्ट्स की भी प्रेमी है। उन्होंने कहा कि अपने कॉलेज के दिनों में वो फुटबॉल प्रतियोगिता में बहुत भाग लेती थी। उन्होंने चूंकि सेंट जेवियर मुंबई से PG किया है, तो उनसे सवाल किया गया कि आपने आगे की पढ़ाई, आगे की कोई आपको बहुत अच्छा जॉब मिल सकता था, लेकिन आपने विधायक का ये राजनीति क्यों चुना। तो उनका बहुत खूबसूरत जवाब था, उन्होंने कहा कि अगर कॉरपोरेट जगत में काम करती तो कुछ लोगों के लिए काम करती, लेकिन आज विधायक बन के पूरे मांडर और समाज का कल्याण करूंगी। ऐसे युवा का राजनीति में आना और विधायक बनना वाकई में, और खासकर महिला होकर इतनी कम उम्र में, एक बहुत ही इंस्पिरेशनल चीज़ है। देखना दिलचस्प होगा कि युवा इसको कितना इंस्पायर होते हैं, और आगे युवा के लिए क्या कुछ शिल्पी तिर्की भी आगे बढ़कर करती, क्योंकि वो खुद एक बहुत यंग युवा है। देखिए, पहले जो आपने बात कहा कि मैं पहली बार यहाँ पे आ रही हूँ, बिल्कुल मैंने इस बिल्डिंग को बस बाहर से ही देखा है, मगर यहाँ पे इस कमरे में जितने भी हमारे नेतागण और लोग जो उपस्थित थे, इनसे मैं पहले भी मिल चुकी हूँ, और कल भी मैंने यही बात कहा था कि ये हमारे बस सुख के साथी नहीं, ये हमारे दुख के भी साथी हैं, और इन चीज़ों को इन्होंने बिल्कुल प्रूफ भी किया है इस चुनाव दौरान। रही बात आपकी कि मैं किस तरह से शुरुआत करूँगी, देखिए रही बात मेरी, जो मैं चुनाव जो जीती हूँ वो मांडर की जनता के बलबूते पे ही जीती हूँ, तो मेरा ये धर्म बनता है कि उनके भरोसे में उनका काम का जो है मेरे ऊपर रेस्पॉन्सिबिलिटी, उन सभी को मैं पूरा करूँ, तो पहली प्राथमिकता वही रहेंगी। और बाकी है झारखंड का जो लड़ाई है हमारे लिए, कांग्रेस पार्टी का जो संगठन को मजबूत करने का जो हमारा लड़ाई है, इन सभी को मैं एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करूँगी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।